ये जो सबसे पहले तो आप हमेशा हमारे साथ सॉलिडारिटी करते रहे हैं, ARY न्यूज की बंदिश के हवाले से हमने देखा कि आप बड़े वोकल रहे हैं इस बात पे, बहुत शुक्रिया उसका। ये जो इकोनॉमी के हवाले से हम ये बातें सुन रहे हैं, खास तौर पे जो ये सैलाब आ रहा है सर, ये तो बड़े खौफनाक फिगर सामने आ रहे हैं। एक ऐसी मईशत जिसको हम बिल्कुल बड़ी मुश्किल से कोई बैंक जो डिफॉल्ट और बैंकरप्सी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसमें तो ये कितना तबाहकुन है जो इस वक्त हालात है मुल्क के अंदर। पहले तो इससे ज़्यादा तबाहकुन ये है कि हम जो हमारा एक आईन है हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ऑर्डेंड है, और ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरे हर पाकिस्तानी के लिए है, और उसके बीच में कज़न लगा देनी एक सबसे बड़े जो है आपके जो है मीडिया हाउस को, और वो इसलिए कि उन्होंने कोई एक कोई स्पीच दिखा दी थी तो, और उसके बाद जो है जो लीगल प्रोसेस जो है वो ना हो, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और ये मैं तो हर जगह कह चुका हूँ, और मैं फिर जो जो सुन रहे होंगे अभी वो मेरी बात ये सुन लें कि दुनिया के बीच में जो महज़ब कौमें हैं वो आगे बढ़ती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे और इंसाफ के ऊपर, और इंसाफ अगर आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है और आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते, आप फिर एक जंगल हैं, आप जंगल में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो मैं तो ये बिल्कुल फिर रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि ARY के ऊपर से ये कज़न इमीडिएटली निकाली जाए, हटा ली जाए। अब दूसरा आपने सवाल किया कि ये जो सैलाब है, ये सैलाब बहुत ही गंभीर है, और इसने जिस तरीके से मुराद अली शाह ने कहा, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिंध के बीच में फसलें तबाह हो गई, ये सदर्न पंजाब के बीच में भी यही है, ये KP में भी यही है कि ऊपर आप देखें जितनी तबाहकारी हुई है। और इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो हम जो NDMA हमने NDMA को वो कह दिया कि आप ये कर लें, ज्यादा आ रही है, लेकिन मैं उसमें वो नहीं देख रहा हूँ कि जिसमें सीरियसनेस जो कि एक वक्त में हमने देखी थी जब अर्थ को एक आया था। और दूसरी चीज ये है कि ये नेशनल डिजास्टर है, और इसके ऊपर तो हमें ये भी चाहिए कि हम जाके अगर IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं तो IMF को हम कहें कि जनाबे वाला अब हमारा ये जो हालात हैं इसके बीच में हमें इतने बिलियंस ऑफ रुपीज जो हम एक साइड पर रखने पड़ेंगे और इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। हम इस वक्त बिल्कुल एक किस्म जो सैमी बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं और सैम के बैठे हुए हैं IMF से और बाकी दुनिया से, लेकिन इस जी और हमें चाहिए कि हम इस वक्त अपने आवाम की मदद करें, हमें ये सारे जो हमारे जो फंक्शनरीज हैं हुकूमतों के ये हमें ये देखने चाहिए इन जो गांव हैं इलाके हैं जहाँ के पानी पानी खड़े वहाँ मौजूद होने चाहिए। और ये मैं बिल्कुल सिविल सोसाइटी को भी ये अपील करूंगा कि वो भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, लेकिन बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी। मैं आपको एक दो नंबर दे देता हूँ, इस दफा जो आपकी एक्सपोर्ट हुआ है फूड एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $6 बिलियन है, जिसमें $4 बिलियन राइस की थी, राइस सारी उड़ गई है, चावल उड़ गया है बिल्कुल, सिर्फ मे बी गुजरांवाला वगैरह में थोड़ा सा रह गया हो तो राइस उड़ गई है। आपके बाकी इस साइड के ऊपर प्याज वगैरह जो टमाटर आपका इस साइड में सिंध के बीच में होता वो उड़ गया। आप मालूम है कि जो 44 रुपए फी किलो हम टमाटर प्याज छोड़ के गए थे वो 180 पे चला गया, टमाटर भी 200-250 पे चला गया, क्यों? सप्लाई खत्म हो गई। तो ये चीजें देखें, इसमें बहुत ही एक किस्म से हमारे लिए गंभीर मसाइल हो जाएंगे, और बाकी तो हमारे जो इकोनॉमिक मसाइल गंभीर है ही हैं, लेकिन इसने उसको एक किस्म से एक। अच्छा त्रिवेंद्र साहब, ये बताइएगा कि डॉलर्स हमारे पास नहीं है, जाहिर है मुल्क के अंदर ये कैद साली पड़ेगी, आपको और ज्यादा जो फूड इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ेगा, मुल्क के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास कोई ऐसा मुआशी प्लान हमें नहीं नजर आ रहा कि हर हफ्ते के बाद एक नया बिल जो सामने आ जाता है, नया बजट आ जाता है ऑर्डिनेंस की शक्ल में, तो ओवरऑल जो हमारी जो कौमी मईशत है वो किस डगर पे चल रही है, मौजूदा हुकूमत जो है इसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनको करना क्या चाहिए मौजूदा हालात में, क्योंकि कोई भी चीज हमें काबू में नजर नहीं आ रही फिलहाल। देखिए ये जो ऑप्टिक्स के लिए चीजें कर रहे हैं, ये फंडामेंटल्स को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये शुरू के बीच में ऑप्टिक्स के लिए आए और उन्होंने कहा बारूदी सुरंगें, और उसके बाद ये चुप करके बैठे रहे 6 हफ्ते, क्योंकि इन्हें इनका इन्हें करने तो कुछ और आए थे,
ये तो अपने नैब के वो जो है कानून चेंज करने आए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म चेंज करने आए थे, उसके बाद ये आए थे कि किसी तरीके से हमारे जो ये नवाज शरीफ साहब का कुछ उनकी माफी शाफी हो जाए और रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स हो जाए, वो तो इसके लिए करने आए थे और कोई उनका इरादा नहीं था कि जो बाकी फंडामेंटल्स को आगे, वो तो एकदम सर पे जब पड़ गई आके कि जनाब एकदम प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गई और उसके लिए तो फंडामेंटल्स तो चेंज करने नहीं आए थे। इन्होंने फिर क्या किया, शनैनिगंस करने शुरू कर दिए, इनके मतलब एक किस्म के डुगडुगी बजानी शुरू की इन्होंने जनाब। और जो सबसे बड़ा जुल्म किया है लोगों को, अभी ये मैं क्योंकि कुछ दिन बाहर था तो मैं आके अभी ये समझाऊंगा लोगों को कि जून में इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। इन्होंने तेल जो है उस वक्त पीक पे था और इन्होंने डबल मंगवा लिया, और इसलिए मंगवा लिया कि ये दिखाना चाहते थे कि जून जो है वो क्योंकि पिछली हुकूमत का साल है उसमें खराबी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो मैक्सिमम है और उसके बाद इनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी मैक्सिमम है, 5.3 ट्रिलियन वो दिखाने की खातिर सारा कुछ उसमें बुक कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि जब वो जो पेट्रोल हाई प्राइसेस पे था उसके बाद अब गिरा है, उसमें मैंने कहा है लोगों के मुझे ज़रा कैलकुलेट करके दें, बट 100 अरब रुपए से ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है। किस वजह से, क्यों? जस्ट ऑप्टिक्स की वजह से। तो इसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल की कीमत और बढ़ानी है, बिजली की कीमत और बढ़ानी है, लोग सड़कों पे आ गए। तो इनके पास कोई, जिस तरह आपने कहा, मौशी प्लान है नहीं। और ये सोचें कि भाई इस वक्त अगर हमें 1.5 बिलियन वहाँ से मिल गया, चले IMF की वजह से बाकी भी हमें कुछ फ्लोज आ जाएंगी, लेकिन कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे ना। जो अभी तो रूस खुद जा रहा है मुल्कों के पास कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म आप कॉन्ट्रैक्ट करें और मैं सस्ता तेल दूंगा, और उन्होंने पुतिन ने ये कहा है कि इमरान खान वापस आता है तो मैं उसके साथ ना सिर्फ के दिफाई में मुआदे करूंगा, मुआशी में मुआदे करूंगा, एनर्जी के ऊपर मुआदे करूंगा, तो आप अभी चले जाएं उसके पास, 30-40% आपको डिस्काउंट दे देगा। ये चीज़ें वो करने को तैयार नहीं। और भी बहुत चीज़ें जो की जा सकती हैं और मैं इसके इस वक्त आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि वी डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक प्लान। हम सिर्फ जो है ऑप्टिक्स के ऊपर खेल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली हमें जो पब्लिसिटी किस चीज़ पर मिल जाएगी, और वो पब्लिसिटी मिलेगी नहीं, लेकिन आम आदमी की कमर टूट चुकी है, वो सड़कों पे है। अच्छा त्रिन साहब, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई सऊदीया से कुछ पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कतर से भी कुछ, ये जो डील वील चल रही है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि आपके जमाने से ये बात चल रही है कि ये एयरपोर्ट गिरवी रख दें, ये सड़क गिरवी रख दें, ये भी बेच दें, रूजवेल्ट को भी बेच दें, और भी जो असासे हैं उनको जहां पे मार्केट आपको मिलती है बस बेच डालें सब कुछ। ये देखें, ये ऐसे होता नहीं है। ये जिस वक्त ये करने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे एक तूफान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ये है कि इसका एक प्रोसेस है, प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस है, G2G का भी एक प्रोसेस है। अब हमारी जो स्टील मिल के ऊपर हम लोगों ने बेचने की बात ही नहीं की थी, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे और G2G देंगे, चाइना को देंगे, रशिया वगैरह को देंगे, उसका भी एक पूरा प्रोसेस हुआ। वो तो कानून साजी कर ली है कि कोई जो मौजूदा कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जो ये फैसला करेंगे वो ना कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होगा, किसी भी जगह के उसके उसकी पूछ प्रतीत नहीं होगी और बस जो है डील फाइनल कर ली जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस तरह करेंगे, ये स्विच ऑन एंड ऑफ है क्या? लोग या कौम, पाकिस्तानी कौम इसको एक्सेप्ट कर लेगी? ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा सारा का सारा। आप ये हो ही नहीं सकता कि आप अभी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, इस वक्त ये जो दो जो बातें कर रहे हैं OGDCL और उसके बाद ये PPL के जो शेयर्स हैं, और वो कह रहे हैं 10% और 20% हम उसका बेच देंगे, उसकी जो मार्केट वैल्यू है 500 मिलियन है, बुक वैल्यू उसकी $1 बिलियन है, और वो $1 बिलियन बुक वैल्यू उस वक्त है जिस वक्त वे आपने डिविडेंड नहीं दिए हुए, और उसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए कम अज़ कम उससे डबल होनी चाहिए, $2 बिलियन होनी चाहिए, और उसको आज की डेट में आप अगर बेच देंगे तो आज उसके ये कितना लॉस होगा वो फ्यूचर के बीच में, यही शेयर जो है 4-4.5 बिलियन के होंगे। तो ये कोई होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। ये कोई मतलब किसी का मतलब बाप का वो माल है कि खड़े होके नीलाम कर दें ये पाकिस्तान के एसेट्स को? ये नहीं होगा, और इसके ऊपर हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, और मैं अभी अगले चंद दिनों के बीच में मैं प्रेस में भी जाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि ये आप नहीं कर सकते।